वेलकम टू फ्री लर्ट यूनिवर्सिटी आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर बी जी सी वन जीरो वन इसके सिंपल पेपर के क्वेश्चन के ऊपर हमने वीडियो बना दिया था काफ़ी रिक्वेस्ट आया उसके बाद कि इसके आंसर पर भी वीडियो बनाया जाए तो आज का जो वीडियो है वो हमने जो भी क्वेश्चन पेपर देखा था उसके आंसर पर वीडियो बनेंगे तो क्वेश्चन पेपर में टोटल सत्रह क्वेश्चन थे जो हमारे सिंपल पेपर थे सिंपल पेपर में टोटल सेवेंटीन क्वेश्चन है सेवेंटीन क्वेश्चन में से हम लोग तीन पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस करना आसान हो जाए प्रॉब्लम ना हो होगा क्या वीडियो नहीं तो बहुत दो तीन घंटा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम आ, तरीके से आ, आपका जो वीडियो है वो शॉर्ट फॉर्म में रखा जाए तो कुछ क्वेश्चंस जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में उसको देख लेते हैं बाकी अगर आपको स्पीड कम लग रहा हो तो यूट्यूब पर आपके पास ऑप्शन होता है स्पीड को बढ़ा सकते हैं वन तो कर सकते हैं या टू तो कर सकते हैं या आपके ऊपर निर्भर करता है क्वेश्चन नंबर वन है जो कि हम लोग इसका इस आंसर देखेंगे वाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म संस्कृत ड्रामा क्वेश्चन नंबर टू है हाउ ज द स्टोरी ऑफ शक्ुंतला नरेटेड इन द महाभारत क्वेश्चन नंबर थ्री है वाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सकुतलाज एपिसोड इन महाभारत एंड इन कालिदास प्ले जो शक्ुंतला का एपिसोड है जो महाभारत में किस तरीके से दिखाया गया है और कालिदास के जो प्ले है उसमें कैसे दिखाया गया है अभिजन शंकुतला में उसमें आपको डिफरेंस बताना है क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज एन एपिक एंड सम कॉमन फीचर्स ऑफ एन एपिक तो ये दो क्वेश्चन है जिसे हमने एक में मर्ज कर दिया है लेकिन जब इसका आंसर देखेंगे इसको दोनों अलग अलग तरीके से आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है शॉर्ट नॉट ऑन प्रकरण प्रकरण के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना है जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि वन से फाइव तक जिसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा ही आसान हैं इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना uh, के सारा समझा दिया है तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आपको आंसर दिया जाएगा आंसर भी आपको पता ही है लेकिन होता क्या है ना जब आप इंग्लिश ऑनर्स या फिर किसी भी बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद आपको जो वर्ड लिमिट होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे बीए प्रोग्राम का तो उसमें आपको करना पड़ेगा अगर आप बीएससी लेते हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने पड़ता है लेकिन आपको उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखने से आप अगर सोचेगा कि अगर आठ सौ वर् तीन सौ वर्ड में अच्छे से लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको जो भी आपका सेटिस्फैक्ट्री uh, मार्क्स है वो आपको नहीं मिल पाएगा तो इसी वजह से हम लोग टर्म्स देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे बाकी जो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में जो आंसर दिए जाते हैं आंसर को थोड़ा सा मिक्सडअप करके दिए जाते हैं स्टोरी का रेफरेंस लेके भी दिया जाता है इसीलिए आपको स्टोरी पता होना चाहिए स्टोरी अगर आप नहीं जानते तो हमने ऑलरेडी बी सी के ऊपर काफी वीडियो बना के रखे हैं आप उस स्टोरी को जाकर के सुन लीजिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड नॉन एडिटेड है तो कुछ गलतियां भी हो सकती है बनाने के बोलने के क्रम में तो आप इसको जरा सा देख लीजिएगा क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग समझाएंगे समझने का प्रयास करेंगे जहां पर समझने की जरूरत है पर नहीं जरूरत हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे आप ईयरफोन लगा लीजिए आप इसको सुन लीजिए दो बार तीन बार आप रिपीट करके सुन लीजिएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है व्हाट यू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म संस्कृत ड्रामा संस्कृत ड्रामा से आप क्या समझते हैं हमने अच्छे से समझाया आपको ब्लॉक वन में ही है

हा ओल्ड इज संस्कृत थिएटर संस्कृत थियेटर कितना पुराना है एग्जैक्टली exactly? हम ज्यादातर लोगों को नहीं पता है देखिए आपको थोड़ा सा नरेशन अपने भाषा में लिखना पड़ेगा तो इसी तरीके से लिखा गया है ओल्ड इज संस्कृत थियेटर एक्जैक्टली इट्स डिफिकल्ट टू से फॉर श्योर द फाउंडेशन ऑफ संस्कृत थिएटर्स वेअर प्रोबेबली डेवलप्ड इन वैदिक एंड रिलीजियस सेरोमनीज देन डिफाइंड ओवर सेंचुरीज द फर्स्ट वक्स वी कैन रियली आइडेंटिफाई एज संस्कृत थियेटर हा एवर इ मस्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी सी द फर्स्ट रिकोगनाइज प्ले राइट ऑफ जेनर वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क नेम नेश्वघोष ये पॉइंट आप याद करेंगे हु प्रोबली लिव्ड फ्रॉम द मिड फर्स्ट टू मिड सेंचुरी सी हाईवर द वर्क वी हैव फ्रॉम हिम आर इनकम्प्लीट द फर्स्ट राइटर टू डेवलप फुली फॉर्म्ड प्लेस वॉज द इंटेलेक्चुअल भाषा आपको अगर कैरेक्टर के बारे में बताया जाएगा तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हु लिव अराउंड थर्ड टू फोर्थ सेंचुरी सी भाषा हेल्प डिफाइन द थीम्स एथिस्टिक्स एंड फॉर्मूलाज दैट वुड डिफाइन संस्कृत थिएटर अब यहां से A number of influential playwrights followed, but perhaps none was more renowned than Kalidasa, widely regarded as a Shakespeare of Sanskrit theatre. Kalidasa, ka. Kalidasa likely lived around the 4th century CE. He wrote a number of influential plays that established the art from the. from. He wrote. Kalidasa wrote a number of influential plays.

Describe the philosophy and ideologies of Sanskrit theatre, laid, the, laid out the types of plots, and describe performance traditions. The Dharnathya Shastra is also one of the most influential texts to deal with the concept of rasa, something of a metaphysical atheistic awareness. Integral to the philosophical role of theatre in Indian tradition, rasa was described through the metaphor of cooking, in that a connoisseur. ऑफ फूड कैन इट समथिंग आइडेंटिफाई ऑल द इनग्रीडियंट्स एंड नॉट ओनली इंजॉय इट बट अंडरस्टैंड वाई दे इन्जॉय इट आगे है यहां पर कुछ है नहीं थोड़ा सा भी डिफिकल्ट वर्ड है नहीं जो कि समझाने योग्य है तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और अगर आपको इसके पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो पी डी एफ फॉर्मेट बनाने में दो तीन दिन लग ही जाएंगे क्योंकि अभी और भी वीडियो क्लियर करना है तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो मे भी हो सकता है इसको या तो हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा या टेलीग्राम का इसलिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जब भी होगा अपडेट कर दिया जाएगा आगे है दिस इज एसेंशियल टू हाउ संस्कृत थिएटर वॉज मिन्स टू बी एक्सपीरियंसड इट वॉज रिटर्न फॉर हाईली एजुकेटेड एजुकेटेड ऑडियंसेस हुटेनियसली डिराइव प्लेजर फ्रॉम थिएटर एंड डिटेसल्व फ्रॉम देयर ऑन इमोशंस इनफ टू अंडरस्टैंड why they feel that way like most ancient theatre traditions sanskrit theater tended to have a formulaic layout although there were countless variations within this formula it all began with a type of prologue prologue ke mein the, hota hai. that's unique to this type of performance first come first come a set of ritual prayers and ceremonies called purvaranga purwaran, जो रिचुअल्स होते हैं जब सेरेमनी शुरू होने से पहले जो आपका जो पहला जो होता है जो जो पहला होता है स्टेज में स्टेज फोर्सेस एंड अथॉरिटी ओवर द प्ले नेक्स्ट द डायरेक्टर और स्टेज मैनेजर वुड इंट्रोड्यूस प्ले इट्स ऑथर एंड थीम ऑफ एंड इनर डायलॉग विथ विथ एन एंकर एक्टर this was an interesting moment for the people on stage both the actual and the world of the play were real during this time transitioning the audience into the play आप इसको 2x करके भी सुन सकते हैं अगर आपको स्लो लग रहा है तो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे हाउ वाज द स्टोरी ऑफ सकुंतला नरेटेड इन द महाभारत इन हिंदुइज्मला इज द वाइफ ऑफ दुष्यंता एंड द मदर ऑफ इम्पेर भारत जो हमारा हिंदुइज्म आपका जो हिंदुइज्मला है शकुंतला जो है वो दुष्यंता की वाइफ है पत्नी है और भरत की माँ है जिसके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा हर स्टोरी इज टोल्ड इन महा एंड ड्रामेटाइज बाय कालिदासा इन हिज प्ले अभिजनन शक्ुंतला अब इजनेस सकुंतला का मतलब होता है द साइन ऑफ सकुंतला ऋषि कन्वा फाउंडेड हर फाउंड हर इन फॉरेस्ट एज ए बेबी सराउंडेड बाय सकुंतला बर्ड्स देयरफॉर ही नेम्ड हर सकुंतला मीनिंग सकुंतला प्रोटेक्टेड सकुंतला का मीनिंग जो होता है वो होता है प्रोटेक्टेड सकुंत का मतलब होता है आपका प्रोटेक्टेड किंग दुष्यंत फर्स्ट एनकाउंटर सकुंतलाज वाइल्ड ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज आर्मी ही वाज चेसिंग अ मेल डियर वोंडेड बाय हिज वेपन संगुत्रा एंड दुष्यंता फेल इन लव विथ इच अदर एंड गॉट मैरिज गॉट मैरिड एज पर गांधर मैरिज सिस्टम गांधर सिस्टम गांधर मैरिज सिस्टम के बारे में आपको पता होगा गांधर विवाह एन्वायरमेंट को जो आपके आस पास का जो पर्यावरण आप कह सकते हैं आपके आस पास का जो भी नेचुरल है आ, उसको आप साक्षी मानकर विवाह जब करते मतलब पहले जो होता था उसको गांधर विवाह कहते हैं मतलब आपके आसपास की इन्वायरमेंट को साक्षी मानकर शादी करना आप ये समझ सकते हैं He asks about her parentage. Sakuntala narrates the story of her birth as she heard it from Kanva. Once upon a time, she is the daughter of an Apsara, Apsara Menka and the and Visvamitra. On birth, Menka abandoned her and goes back to the realm of the god to Indra. Sakuntala, according to her narrative, is the is then found by the son Kanva, having heard her tale. King Dushyanta of that the Sakuntala wouldn't have been an ordinary maiden. He uh, he her to enter a Gandhava marriage with him, a marriage done in secret with rituals between a loving man and loving woman. Sakuntala agrees one on one condition. She asks the king to promise that the son that may be born from me shall be young king to the s to succeed you, the great king. Declares this to me as the truth. If it is टू कंज्यूमेट देयर मैरिज थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट यूज किया गया इसमें लेकिन ऐसा नहीं है काफी आसान है जो स्टोरी के माध्यम से अगर आप समझना चाहें तो जब शकुंतला का जो बचपन है जब विश्वामित्र और मेंगा मेंगा जो मेंग, होता क्या है विश्वामित्र ध्यान कर रहे होते हैं एक तपस्या में लीन होते हैं तो इंद्र इंद्र तो बड़े कारनामे कर चुके हैं हमारे इतिहास में जो भी हमारा है तो इंद्र मेंका को भेजते हैं उनका ध्यान को भटकाने के लिए तो पहले आती है मेहका पहले वो भटका तो नहीं पाती है लेकिन बाद में होता है वो भटका मतलब भटकाने में वो सक्षम हो जाती है और सफल होने के बाद उनसे एक बेबी जो शकुंतला है उनका जन्म होता है लेकिन बाद में क्या होता है कन जो ऋषि होते हैं विश्वामित्र उन्हें याद आता है कि उनका लाइफ कुछ और है तो वो सब दोनों को छोड़ के चले जाते हैं और अब जो महंगा होती है वो चाह के भी शकुंतला को ले नहीं जा पाती है नरेशन बहुत जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है तो लेकर के नहीं जा पाती है तो इसी वजह से शकुंतला को छोड़ देती है कनवा ऋषि के आश्रम के का जो वन होता है उसी वन में छोड़ देती है उन्हें पता होता है कि कनवा के अगर क्षेत्र में है तो वो प्रोटेक्टेड रहेगी तो बाद में जब कनवा को शकुंतला मिलती है तो शकुंतला को वो नाम देते हैं शकुंतला उस बच्चे का नाम शकुंतला दिया जाता है और बाद में यही कहानी है जो कि आपको बताया गया है इसको अलग अलग तरीके से नरेट किया गया है और जो आपका एक क्वेश्चन आपके बाद इस क्वेश्चन के बाद आएगा कि जो आपका महाभारत में अब शकुंतला का स्टोरी और कालिदास का जो शकुंतला का स्टोरी उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है तो यही सारे डिफरेंसेस हैं थोड़ा सा पोइटिक आपको मिलेगा थोड़ा सा ड्रामेटिक मिलेगा आपको इसमें और लगभग जो थीम है वो ऑलमोस्ट सेम है आपको जो ड्रामेटिक वो मिलेगा वो कालिदास में मिलेगा और जबकि वेद के द्वारा जो लिखा गया है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल बातें पता चलेगी तो आगे बढ़ते हैं देर फोर द किंग रिटर्न टू कोर्ट सकुंतला इन द फॉलोइंग ईयर गिव बर्थ टू एट सेंट कन्वास हरमिटेज द चाइल्ड रेडियंट लाइक अ ब्लेसिंग फायर ग्रोज अप इन दर्मिटेज फॉर सिक्स वुड फेडर लाइन एंड टाइगर्स To the trees around the hermitage, watching his superhuman exploits, Karna Kanva decided to send him to the king place with Sakuntala. At the king place, Dushyanta refers to Sakuntala, calling her an avilatistic. Sakuntala, stunned with grief, pleads her case, emphasizing the importance of son for the king. She says, A son is Putra because he saves his father from the hell named Put and calls herself the dutiful wife, stating that she is, the, she is a wife who is handy in the house. She is a wife who bears children. She is a wife whose life is her husband. Dushyanta humiliates Sakuntala in the following way I do not know that this is my son you have born. Sakuntala, women are liars who will trust your word. Menka, your mother was a slut who cast you off like a fatted girl on a peak of Himalayas. Vishwamitra, your father.

Called a son, the foundation of family and lineage, the highest of all merits of law. Therefore, one should never abandon a son. Having said all this, Sakundra departs and celestial voice warns Dushyanta of his wrong deed. As this, Dushyanta changes his taste, suggesting, I myself knew very well he was my son. But if I had taken him as my son on her word alone, suspicion would have been rife among the people and he would never been.

क्वेश्चन uh, का आंसर आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ाया जो जो स्टोरी जो नहीं पढ़ा है उसको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन नहीं किया है कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बस हमने आपके सामने रख दिया अगर आप बाहर भी आ तो बस ईयरफोन लगाकर सुन लेंगे तो आपका जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएगा तो दस में से पांच छह लोग ही होंगे जिसको ये समझ में आएगा आगे जो आपका क्वेश्चन है आगे जो आपका क्वेश्चन है

Consisting of different types of vernaculars spoken by the common people including women and children. What does this sentence say about this time? Does it strike you, you to find women and children clubbed together? Hold that thought. The title of the play Abhijan Sakuntala, can be translated as the recognition of Sakuntala. title the recognition of Sakuntala. The play as it started in the earlier unit is an extension of an episode from the Mahabharata. Kalidasa proverbs as an exemplary Exemplary dramatist can be seen in a way he has lent complexity to the characters, to Shakuntala and Dushyanta's adding innovative elements such as the curse and the ring to enhance the rush of karma, love as well as making Dushyanta's characters more appealing to the audience. Furthermore, the ultimate union of the hero and the heroine does not occur in the royal place of the king, but in the heavenly. ज ऑफ मारिका एंड फ्रॉम इमर इन फ्रॉम द बर्थ ऑफ दर्शनिंग दस हिज रिटेलिंग ऑफ इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स तो क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक आगे जो है कालिदासा क्रिएट्स ए हीरोइक ड्रामा ऑफ रोमांटिक नेचर इंडियरिंग इट टू दस ऑफ हिस्से एंड नाउ रीडर्स बियोन्ड हिज टाइम एंड प्लेस the longing and the hatches of first love the trials of the love thwarted the happiness at being reunited are emotions and feelings that everyone can identify with however one cannot deny how the drama is a reflection of particular socio political and the cultural ethos of this time of his time the very rejection of shakuntala's play of of the loss of the token makes us question the position of women in his time Notwithstanding the loss of the memory, as Ms. Rex as a Miserexie, ask: Does love such as this really needed a token of recognition? How can that be? The happiness, unhappiness, at his inability to have a son is telling portrayal of the importance of the son in carrying the name of family onwards. Even in the description of the fishermen who find the lost in Kaldasa, shows the corrupt and brutal nature of the god.

वेद द्वारा लिखा गया है वो काफ़ी नेचुरल तरीके से लिखा गया है जो सच्चाई है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एपिक अगर हाँ आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर आपको इसका आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा तीन से चार दिन बाद इस वीडियो को अपलोड होने के तीन से चार दिन बाद आपको इसका पी मिलना शुरू हो जाएगा अब वो या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा या हमारे वेबसाइट पर टेलीग्राम चैनल आप लिंक चेक कर लीजिएगा अगर आप इस वीडियो को एक साल या दो साल बाद देख रहे हैं तो हो सकता है वेबसाइट पर मूव कर दिया जाए में में what is an epic? The word epic is derived from an ancient Greek adjective epikos, which means a poetic story. In literature, an epic is a long narrative poem which is usually related to heroic deeds of a person of an unusual courage and unparalleled bravery. In order to decept this bravery and courage, the epic uses grandiose style an epic is a heroic poem with a long narrative and a serious subject matter it is a collection of series of events but has at least one major happening that it determines the fate of humanity at large epics are often of a natural universal significance and deal with the various legends folk tales and histories the setting of the epic is usually grand and involves superhuman actions it decepts it decepts larger than Life scenes, vivid descriptions, long speeches, and elaborate greetings. Discretion as also hardships, long, arduous journey, and misadventures. The epic encompasses a long uh, encompasses a large time frame that may include generations and ages, the wider ranging in the, in the time and space, as also in its cast of characters. This is a generic. इंट्रोडक्शन टू द एपिक फॉर्म एज मोस्ट ऑफ अर्स विल नो एंड इज द ट्रू ऑफ मोस्ट एपिक्स बी दे आर ऑरल और रिटर्न ऑफ द बेस्ट और दस्ट तो एपिक के बारे में आपको पता है इसको हिंदी में लोग महाकावी कहते हैं और महाकाव का डेफिनेशन तो हमने बताया ही है जो कोर्स वाली वीडियो है बाकी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो हमने पीडीएफ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपका जो क्वेश्चन था उसमें एपिक और कॉमन फीचर ऑफ एपिक का एक क्वेश्चन था Uh, यहां पर हमने दो तरीके से बनाने का प्रयास किया क्योंकि दोनों आपको अलग अलग भी दिया जा सकता है तो वॉट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ एन एपिक डू हैव सब कॉमन फीचर्स एज वेल एग्जामिन देम नेक्स्ट नरेटर नरेटर एवरी एवरी एपिक एपिक हैज हैज एन एंड एपिक्स नॉर्मली बिगिन विध इनकेशन प्रेयर टू द गॉड्स दिस इनवोकेशन इज यूजली परफॉर्म बाय द नरेटर हु देन सेट्स द एपिक इन द मोशन The narrator may introduce the epic question that would be dealt with. In the work and around which the entire narrative is built, the theme and the question is related to a general truth. It could open a debate on war and justice since both are important themes in epics. Episodic in nature. An epic has several episodes, each connected to the order, to the other, but each with its own beginning and ending. While these episodes have a bearing on the other on the another they are logically complete logically complete in themselves. This is an essential quality of an epic. On one another they are logically okay, Adagogy. Heroic An epic has a hero who has extraordinary or a divine power. A hero is a, either a progeny of a god or a disciple the hero of the epic is able to interact with the gods and in a crucial moment sees the god, gods in their divine avatar these heroic characters are able to draw strength and knowledge from the gods who play an important role in their lives there are union between the human and the divine in the epic at the same time the heroes are not mere observers as spectators of events they are Participants and agents of, charge, of change. These characters work out in their minds the different perspectives and their decisions as well as act on them. In the Mahabharata, however, no one person is heroic, as in the case of Ramayana, another Indian epic of significance. The Mahabharata is meant to be a record of human beings who fall prey to temptations, unlike the Ramayana, which is focused on the character of Ram the mahabharata focuses on the complexity of events and characters spread over three generations the latter is not one man so and in this sense closer to our reality than the former however while in ramayana is an epic is a praise of an ideal man uh, the mahabharata focuses on human weakness the mahabharata has a spate of characters important to the narrative while in ramayana everything revolves around the figure of ram and his actions this makes the Mahabharata more realistic. It is seen in the historic, historical epic spanning, spanning across generations. While in the Ramayana, God is at the center of the narrative. In Mahabharata, it is the human being in the interaction with the gods who occupy center stage. It has been suggested that the Mahabharata does not fit in the Western model of the heroic epic. In its fact reflects the critical representation of a biojoin. Bajon heroic is from the point of view of subsequent age of enlargement. Thus, the European idea of epic cannot be applied in the Mahabharata per se. Even as the text of epic dimension and deploys freely the characters of an epic human divine characters, some gods appear as characters in epic, and they are okay. And they have a part. They have a part to play in the narrative they make the human being the object of inquiry as the keep text, as they keep texting on the extent of vigor of important character last time have writes short notes on prakarna prakarna, ke mein hai prakarna is a play in the 5 to 10 uh, prakarna is a play in 5 to 10 acts. prakarna is a realistic type of play which derives its theme from the society and life of ordinary folk the spectators Get acquainted with the many problems that occur in the life of ordinary people who form the major chunk of the society. Since Nautica takes its theme from ancient stories and and legends and the hero and heroine belong to elite class, there is no scope for depicting the life, problems and living standards of ordinary people as a, uh, a visual art form, form should represent all the strata. Of society, prakarna gives enough scope for the dramatist to analyze the social life of the people, customs and moral content in the society and evil practices, etc., and suggests remedial, measures for the solving the complicated problems and so the right path to the to be followed. This shows that Sanskrit literature had kept pace with social problems and changes. The narrations contained in this type of work provide the spectator.

अगर आपको आगे और भी वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए आप टेलीग्राम पर कमेंट करते हैं तो ज़्यादा देख नहीं पाते क्योंकि ग्रुप में और भी बहुत सारे कमेंट आते हैं तो आप जब तक कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे कि आपको और भी जो भी आपके पास रिमेनिंग क्वेश्चन है बारह क्वेश्चन और बचे हैं बीजीसी वन के उसमें अगर आप कर लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे तो अगर आपको सबके आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और कहिए कि आपको और इसके ऊपर वीडियो चाहिए अगर फिर से सेम चीज़ें अगर टेन पीपल से ज़्यादा कमेंट करते हैं दस से ज़्यादा कमेंट आता है स्पेसिफिक इस नेक्स्ट वीडियो के लिए तो बनाया जाएगा नहीं तो इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए हमने ज़्यादा समझाने का भी प्रयास नहीं किया बस अपने भाषा में आपको बता दिया है आप ईयरफोन लगा के इसको दो तो बार रिपीट मोड पर सुन सकते हैं बाकी अगर आप चाहें तो बी सी सी वन जीरो वन के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को भी देख लीजिएगा एग्जामिनेशन से पहले आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर आपको आपके जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको आपका कोई सवाल तो वहाँ पर पूछ सकते हैं और इंग्लिश ऑनर्स के हमने क्रेस कोर्स बनाया है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा तभी वीडियो बनेगा वरना नहीं बनेगा